Hello friends, I'm Rinki from Dhawan International School. I hope you are safe at your home. As discussed in the previous video, we had discussed the first chapter of mathematics, that is integers of standard 7. Today we are going to solve some practical problems based on the same chapter and concept. Kindly listen to this carefully and do WhatsApp us if you have any doubt on this. The first question that we have from exercise 1.2, there are only two examples here. First question is, in a quiz team, age scored minus 40, 10, 0, and team B scored 10, 0, and minus 40 in 3 successive rounds. So, a quiz hua tha, jisme team A ka 3 rounds mein score, pehle round mein tha minus 40, dusre round mein tha 10, aur teesre round mein tha 0. Aur usi tarah se team B ka pehle round mein score tha 10, dusre round mein score tha 0 and teesre round mein score tha minus 40. They have asked question is, can in 3 successive rounds, can we say that we can add integers in any order? If you can see, the total done by team A will be minus 40. आपको उनमें आंसर्स फिल करने
The next one which we have, minus 53 plus dash equals to minus 53. अब यहाँ पर अगेन देखने वाली बात है, ये भी नंबर सेम है और ये भी नंबर सेम है, तो इसमें कुछ ऐड हुआ ही नहीं, यानी कि इसमें हम अगर जीरो लिख देंगे तो आंसर सेम का सेम आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा है, 17 का हम क्या ऐड करेंगे जो आंसर जीरो आएगा, तो 17 का उल्टा है यानी कि माइनस 17. ये चीज हमने आपको पहले भी समझाई थी, किसी भी नंबर का अगर उल्टा हम उसमें प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा. फोर्थ वन विच वी हैव इज क्वाइट लॉन्गर, माइनस 4 प्लस एक बड़े से ब्रैकेट में, ये दो एक साथ रखे हुए हैं, एक है माइनस 15 दूसरा है माइनस 3. अब सामने की तरफ देखिए क्या है, माइनस 4 प्लस 15 एंड डैश, तो माइनस 4 आ गया माइनस 15 भी आ गया. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस की साइन कैसे आई, तो वो प्लस की साइन इन दोनों को प्लस करने से आई होगी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, और उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3, तो यू विल राइट हियर 3. अब यहाँ पर माइनस 23 प्लस डैश इक्वल्स टू 25 प्लस डैश, इसको आप कैलकुलेट करने बैठे इससे बेहतर एक छोटी सी ट्रिक है, इसके नंबर्स को एक्सचेंज कर दीजिए, इसको यहाँ लिखिए और इसको वहां लिख दीजिए, तो यहाँ वाले ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे 25 और वहां वाले ब्लैंक में आप लिख देंगे माइनस 23. सो नाउ इफ यू सी दिस, दिस विल बिकम इक्वल, जैसे कि ये वाला सम था माइनस 23 प्लस 25 इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 23 एंड नंबर सिर्फ एक्सचेंज हो गए. नेक्स्ट वन विच वी हैव इज माइनस 10 प्लस डैश इक्वल्स टू माइनस 11. तो 10 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 11 बन जाएगा, वी नो दैट 11 माइनस 10 इज 1, लेकिन यहाँ हम माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस 1 लिखते तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, तो आंसर 11 नहीं पर 10 माइनस 1 9 आ जाता है, इसलिए हमें माइनस 1 लिखना पड़ा. सेवेंथ वाला जो सम है वो फिफ्थ वाले से सेम है, माइनस 13 प्लस डैश इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस डैश, फिर से वही काम कर दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको वहां लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 15 और सामने चला जाएगा माइनस 13. तो अब फिर से देखो ये फिर से बैलेंस हो गया, दैट इज माइनस 13 प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस माइनस 13. अगर हम इसको और तरीके से सॉल्व करते तो हमें इसमें इसका सारा आंसर निकालना पड़ता, बट इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग योर ट्रिक्स यू कैन डू सिंपली एक्सचेंज द वैल्यूज इन बोथ द ब्लैंक्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स. Keep doing practicing at home. If you have any doubt relating to this video, you can WhatsApp us on our school's number. Thank you so much. Stay home.